आइए हम आप चर्चा करते हैं अब आगे आकार, भारत के आकार और स्थिति के बारे में। तो सबसे पहले हम आते हैं, बात करते हैं भूगोल के बारे में। आखिर भूगोल क्या है, भूगोल की परिभाषा क्या होती है? तो परिभाषा देखेंगे कि भूगोल वह शास्त्र या विषय है जिसके द्वारा हम पृथ्वी के आंतरिक और बाहरी परतों का अध्ययन करते हैं। भूगोल में क्या हमको पढ़ना है, जिस भूगोल जो है पृथ्वी के, भूगोल का अर्थ क्या होता है पहले ये समझेंगे। भू का अर्थ होता है पृथ्वी, भू का अर्थ क्या होता है पृथ्वी, और गोल का अर्थ होता है पृथ्वी के आकार का वर्णन, पृथ्वी के आकार का वर्णन। जैसे हमको इससे भूगोल से ही डिफिनेशन पता चलता है कि पृथ्वी के आकार का वर्णन करना ही क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। तो भूगोल वह शास्त्र या विषय है जिसके द्वारा हम पृथ्वी के आंतरिक और बाहरी परतों का अध्ययन करते हैं, उसे हम भूगोल कहते हैं। भूगोल के पिता जो थे, भूगोल के सर्वप्रथम इतिहास इनपे कहा जाता है, किनको, हिकेटियस को कहा जाता है। भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, हिकेटियस को कहा जाता है, भूगोल का पिता हिकेटियस को कहा जाता है। और भूगोल शब्द का सर्वप्रथम नाम जो लिया था उनका नाम था इरेटोस्थनीज। भूगोल शब्द का नाम सर्वप्रथम किन्होंने लिया था, इरेटोस्थनीज ने लिया था। और आधुनिक भूगोल का जनक हम्बोल्ट को कहा जाता है, आधुनिक भूगोल का जनक हम्बोल्ट को कहा जाता है। आइए अब हम चर्चा करते हैं भारत के आकार के बारे में। भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, यानी अगर इसको शॉर्ट में कहें तो एक नंबर में कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछता है तो इस तरह से रहेगा, नहीं तो इसका कुल वर्णन है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। शॉर्ट में क्या पढ़ते हैं, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है, यानी भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 2.4% है। और भारत जो है विश्व का सातवां बड़ा देश है, भारत जो है विश्व का सातवां बड़ा देश है। अब तो ये तो थोड़ा कंफ्यूजन है, कभी कभी पूछ देता है सातवां से पहले वाला देश कौन सा है, तो उसको याद करने के लिए हम आप लोगों के लिए एक जबरदस्त ट्रिक लेकर आए हैं, जिस ट्रिक का नाम है रुक ची अब आई। रूस से रूस, क से कनाडा, ची से चीन, आ से अमेरिका, ब से ब्राजील, आ से ऑस्ट्रेलिया, ई से इंडिया। इंडिया जो है हमारे सातवें नंबर पे है, अगर पूछ दे पहले नंबर पे तो रूस, दूसरे नंबर पे थे कनाडा, तीसरे नंबर पे चाइना, चौथे नंबर पे अमेरिका, पांचवें नंबर पे ब्राजील, छठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया और सातवें नंबर पे इंग्लैंड। आइए अब हम भारत के बारे में नक्शा के माध्यम से पढ़ेंगे कि किस तरह भारत की लंबाई और चौड़ाई के बारे में लिखेंगे। तो भारत के लिए हमारा मुकुट है, हमारा सरताज, हमारा ताज यही है। यहाँ जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी यहाँ पे है, कन्याकुमारी यहाँ, इसको प्रायद्वीप, भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र भी कहा जाता है। इसकी कुल लंबाई है 3214 किलोमीटर। भारत की चौड़ाई की लंबाई कितनी है, 3214 किलोमीटर। और इसकी लंबाई चौड़ाई की बात की जाए तो गुजरात हिंद महासागर से लेकर इधर अंतिम के लेकर है टोटल 2933 किलोमीटर। बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ है, इधर जम्मू अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ है। पूर्ण चौड़ाई इसकी कितनी है, 2933 किलोमीटर। और जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इसकी लंबाई कितनी है, 3214 किलोमीटर। और कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, स्थलीय सीमा की विस्तार कितनी है। स्थलीय सीमा यानी इधर से जो कुछ स्थलीय सीमा जो आ जाती है उसकी कुल जो उसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर। 15,000 भारत की कुल स्थलीय सीमा कितनी है, 15,200 किलोमीटर। भारत की कुल स्थलीय सीमा अगर पूछ दे एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम SSC HSL में भी पूछा हुआ एग्जाम है, तो इसको क्या बोलेंगे, भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। और ये जो हमारा क्षेत्र है भारत, नीचे आता है हिंद महासागर आता है। तो हिंद महासागर में, इंडियन ओशन में कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि भारत का जो समुद्री क्षेत्र है, भारत का समुद्री क्षेत्र का एरिया कितना लगता है। इधर हमारा अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार तो इधर इस आइलैंड को लेकर के इसका टोटल जो लंबाई है 75,016.6 किलोमीटर, 7,516.6 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 7,516.6 किलोमीटर। तो चलिए अब हम बात करते हैं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, पड़ोसी मुल्क हमारा पड़ोसी, चलो उसके बारे में देख लेते हैं। तो
तो उसका एक ट्रिक हमने उसका ही बनाया है, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना। नहीं, बचपन में एमबीए किया, बचपन में एमबीए किया, तब बस से हो गया बांग्लादेश, बस से बांग्लादेश, अच्छा से तो चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, म से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान, चलिए अब हम बात करते हैं, ये तो याद कर लिए बचपन में एमबीए किया, ब से बांग्लादेश, ची से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, म से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। अब हम बात करते हैं हमारे भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है, उनको भी याद करने का हमने बहुत जबरदस्त ट्रिक लाया है, जो एक ही झटके में आप लोगों को पूरा केंद्र शासित प्रदेश याद हो जाएगा। चलिए तो उसको किस तरह से हमने ट्रिक बनाया है, चलो दिल दे दो आप जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, अरे वहीं पर तो सब जाता है कपल लोग, तो वहीं पर कपल लोग जाता है, तो उसी का ट्रिक बनाए हैं, चलो दिल दे दो आप कहाँ, तो जम्मू कश्मीर में, तो सी एच से चंडीगढ़, एलो से लक्षद्वीप, दिल से दिल्ली, दे दो दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली, दोनों को अब एक में कर दिया गया है, डबल ए से अंडमान एंड निकोबार, पी से पुडुचेरी, और जैसे हाल ही में 370 जो लागू किया गया था जम्मू कश्मीर में, तो वहाँ जम्मू कश्मीर में लद्दाख और श्रीनगर को अलग कर दिया गया है, तो वो भी वहाँ पे दो केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख।